नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक यूजर्स के लिए। दोस्तों अगर आपके पास भी आपके कोटक महिंद्रा बैंक का जो है CRM नंबर तो है, बट लेकिन आपका जो है अकाउंट नंबर आपको याद नहीं है तो कैसे पता करें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने फ़ोन का जो जीमेल है इसे आपको ओपन कर लेना और हर महीने जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो स्टेटमेंट भेजता है तो यहाँ पर ऊपर में आपको सर्च कर लेना है कोटक। यहाँ पर जैसे ही कोटक सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कोटक बैंक अलर्ट यहाँ पर दिया हुआ, तो इसे यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में PDF है, देख सकते हैं, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो देखिए ऊपर में डाउनलोड गया, इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें जो है पासवर्ड मांग रहा था, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड में आपको अपना CRN नंबर डालना है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप नंबर, है ना। अगर आपको नहीं पता कि इसे किस तरह से प्राप्त किया जाता है तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, उससे जाकर आप जो है देख सकते हैं कि CRN नंबर को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर मैं CRN नंबर को इंटर कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे जो है ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओपन क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर में जो है, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको जो इस PDF को ओपन करेंगे तो ऊपर में ही यहाँ पर आपको जो है आपको अपना अकाउंट नंबर दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट, इसे मैं ऐसे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने जो है ब्लर किया हुआ है। तो ये देखिए ये जो है कोटक है ना, यहाँ पर देखिए मेरा नाम शो कर रहा है, CRN नंबर दे रहा है, उसके नीचे में अकाउंट नंबर यहाँ पर जो है शो हो रहा है। तो इस तरह से आसानी से आप जो है अपना कोटक बैंक का जो है अकाउंट नंबर है पता कर सकते हैं आसानी से, अगर CRN नंबर मालूम है तो। अगर CRN नंबर नहीं पता है तो भी आप इजीली जो है आप CRN नंबर को भी जो है पता कर सकते हैं अपने फ़ोन से सिर्फ एक मैसेज भेजकर। तो सो ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया, उससे जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो उसे जाकर आप जरूर देखें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।